अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने ये फ्रॉक तैयार की है जिसमें हमारी नीचे बॉडी आ रही है, हिप्स तक की हमारी बॉडी आ रही है, उससे नीचे हमारी ये चुन आ रही है, ठीक है। और ऊपर हमने ये एक पीस लगाया है जिसमें हमने इसमें सेंटर लेस भरी है, ठीक है। और नीचे हमने इसके टसल लगाए, साइड में हमने इसकी डोरी लगाई है। चलो शुरू करते फ्रॉक हमने किस तरह तैयार की है। अब ये देखिए, हमने बॉडी का कपड़ा बिछाया हुआ है, ठीक है, बैक का भी और फ्रंट का भी, ठीक है। तो इसकी लंबाई है हमारी 23 इंच, 22 इंच हमारी लंबाई तैयार होगी। अब इससे हम निशान लगाएंगे। ये स्मॉल साइज बना रहे हैं, स्मॉल साइज के हिसाब से सारे निशान लगाएंगे। इसका आर्मोल का निशान हम 7 इंच पे लगा लेंगे, ठीक है। वेस्ट का इसका कोई निशान नहीं लगेगा, हिप्स का हम निशान 20 इंच पे लगा लेंगे। शोल्डर के निशान 7.5 इंच पे, ठीक है। और चेस्ट का निशान हम इसका लगा लेंगे 9.5 इंच पे, ठीक है। आधा इंच मैंने इसे लूज रखा है, वैसे कमीज के हिसाब से मेरा 9 इंच पे निशान लगता है, ठीक है। और जो हिप्स का निशान है मेरा तकरीबन 9.5 इंच पे निशान लगता है इसका, हिप्स का, ठीक है। तो मैं इसका 11 इंच पे निशान लगाऊंगा। इसके यहां से हमने थोड़ा सा शेप देना है इस तरह से। देखिए मेरे स्केल में थोड़ा सा शेप आ रहा है, तो इसी तरह के आपका शेप आना चाहिए। यहां से इस तरह सीधा ले जाएंगे नीचे, यहां पे इसका हम फ्रंट का कोई शेप नहीं देंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसकी बॉडी की कटिंग कर ली, ठीक है। अब देखें इसके नीचे वाला चुन का जो पीस है हमारा, वो मैं आपको नाप के दिखा देता हूं। इसकी चौड़ाई हमारी 17 इंच, ठीक है। 22 इंच की हमारी जो है ना इसकी बॉडी तैयार होगी, तो उसके बाद 16 इंच की जो है ना हमारी ये नीचे वाला पीस तैयार होगा चुन वाला। तो ये हमारा हो जाएगा तकरीबन 38 इंच हमारी लंबाई तैयार होगी, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 42 इंच, जो चुन देनी है हमने, ठीक है। चुन देके हमने इसे इस तरह करना है। अब यहां से हम इसे पूरा नाप लेते हैं कपड़े को। ये देखें यहां से अगर हम नापेंगे इसे तो ये हमारा 12 इंच आ रहा है, 12 12 दूनी 24 होता है, ठीक है। तो ये जो कपड़ा हमने यहाँ पे चुन देनी है इसको 24 इंच का करना है हमने, ठीक है। बैक के और फ्रंट के पीस को, इन दोनों पीसों को इसी तरह हम चुन दे देंगे। अब ये देखे मैंने इसकी चुन दे के यहाँ पे बॉडी के साथ जोड़ दिया इसे, ठीक है। अब देखे ऊपर वाली एक पीस चाहिए हमें। अब ये देखे शोल्डर के हिसाब से हमारा एक पीस है, जितना हमारा शोल्डर है उतना ही चौड़ा हमारा एक पीस है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है हमारी 30 इंच आ रही है, ठीक है। और इसकी 38 इंच है, तकरीबन 8 इंच का गैप है इसमें। अब इसे हम हटा लेते हैं, इसे हमने डबल कर लिया। अब यहां पे हमने 3 इंच का निशान लगाना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कटिंग हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में हमने ये लेस लगानी है। ये लेस हमने इस तरह लगानी है, पहले इस पीस में हम लेस लगाएंगे, ठीक है। इसे हम हटा लेते हैं, यहां पे इसे इस तरह रख के यहां पे इसे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह बिल्कुल सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे आप, ठीक है। इस तरह सिलाई लगा लेंगे, पूरी घुमा लेंगे। ये देखिए मैंने लेस लगा ली यहाँ पे, ये देखिए इस तरह हमने लेस लगा ली। यहाँ पे मैंने नोक पे इसे कट लगा दिया, ये ताकि इस तरह आराम से नोक बन जाए, ठीक है। इस तरह मैंने पूरी लेस लगा दी। अब इसे हमने यहाँ पे इस तरह सेट करना है, इस दबाव को हमने
इस तरह नीचे लेके जाना है, यहाँ पे इस तरह बिल्कुल नोक की तरह बनाना है, ठीक है, इस तरह बनाना है। फिर यहाँ पे इसे इस तरह उठा के इसी तरह सिलाई लगा लेंगे हम। ये देखें, ये नोक बन गई हमारी, ठीक है, और इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह नोक बना लेंगे। उसके बाद हम ये पीस इसके साथ लगाएंगे। अब यहाँ पे हम ये पीस इस तरह रखेंगे, ठीक है, ये देखें, ये दबाव का पीस हम इस तरह बाहर निकालेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे रख के यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा लेंगे, इसकी यहाँ वाली नोक भी बना के, इस नोक से लेकर इस नोक तक यहाँ पे हम नोक तैयार करेंगे, उस वहीं तक इसे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको पलट के दिखाऊंगा इसको किस तरह हमने इस लंबी वाली साइड पे इसकी सिलाई लगानी है। अब ये देखें, हमने इसकी दूसरी नोक भी तैयार करके यहाँ पे इसे कपड़े के साथ रख के सिलाई लगा ली। ये देखें, मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में रखा अपने दबाव के लिए दोनों साइड पर, ये देखें, ठीक है। अब इस कपड़े को हमने इस तरह घुमाना है, ये देखें, ये इस तरह घूम जाएगा। अब यहीं से इसी नोक से हमने इसकी सिलाई लगानी है, इस लंबी साइड पे इसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ये इस तरह हमारी नोक तैयार हो जाएगी, ठीक है, और इसकी दूसरी साइड की भी इसी तरह हमने नोक तैयार करनी है। देखिए, मैंने पूरी जो है ना उस पर सिलाई लगा ली, ये हमारी बीच में लेस लग गई, ठीक है। अब इस पर हमने टसल भी लगाना है और लेस भी लगानी है। अब हमारे ये टसल है, ठीक है, इसे हम बीच में से काट लेंगे, यहाँ से बांध देंगे इसे ताकि खुले ना दोबारा। अब यहाँ से हमने इसके 15 इंच पे निशान लगाना है, इस साइड पे भी इसी तरह 15 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। और ये टसल इस तरह रख के दोनों साइड पे इसे यहाँ से हम फिनिशिंग लगाएंगे, ठीक है, फिनिशिंग लगाएंगे। फिनिशिंग लगाते हुए फिर यहाँ पे हमने इसकी लेस लगानी है, ये देखें, लेस लेस हमने इस तरह लटकानी है, टसल हमारे इस तरह आएंगे, इस तरह लटकेंगे, ठीक है। तो फिनिशिंग लगाते हुए लेस को हमने इस तरह रखना है, इस तरह इसे फिनिशिंग लगाते हुए लेस को इस तरह ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने देखें, ये बैक में इसकी फिनिशिंग लगाई हुई है, ये देखें, लेस के साथ मैंने इसकी फिनिशिंग लगाई हुई है, टसल भी लगाए मैं इसकी और लेस भी लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके 3 इंच का गैप छोड़ के जो है ना फिनिशिंग लगाना शुरू की है, और इस तरह फिर फिनिशिंग शुरू की है इसकी, ठीक है, ताकि शोल्डर जो जब इसकी आस्तीनें लगाएं तो हमारी यहाँ जगह मोटी ना हो। तो इसी तरह हमने इसकी फिनिशिंग लगा ली है, यहाँ पे 3 इंच का गैप छोड़ के यहाँ से इसे फिनिशिंग लगा के इसे इस तरह आप डबल डबल करके, उसके बाद इसे इस तरह डबल करके यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है पूरी। ये देखें, मैंने फिनिशिंग लगा ली इसमें, ठीक है, ये डोरिया मैंने इसमें फंसा ली दोनों साइड पे, और नीचे मैंने इसकी लेस भी लगा ली, इस तरह हमारी लेस आ गई है, ये देखें, ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है। अब देखें, इसे नीचे वाले पीस को हम इसे सेट करेंगे, और इसे ऊपर, इसके ऊपर सेट करेंगे अब हम। देखिए, सेंटर से सेंटर हमारा इस तरह मिलाना है हमने, ठीक है, ये हमने सेट कर लिया। अभी हमारे पास एक समोसा लेस है, ये लेस हमने यहाँ से लगानी है डोरी से, ठीक है, यहाँ से हमने इसके कच्चा इस तरह दबा देना है, यहाँ से इसे थोड़ा सा इस तरह मोड़ लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे रख के डोरी से यहाँ पे इसी सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक के, इस साइड पे भी और इसकी दूसरी साइड पे भी और बैक पे भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। जब हम ये बैक फ्रंट में लेस लगा लेंगे इसकी, तो उसके बाद हम इसका गला बना लेंगे, बोर्ड गला बनाना है हमने इसका, और इसकी साइडें बन करके नीचे घेर में इसकी फिनिशिंग लगा लेंगे, और उसके बाद इसकी स्लीव्स लगा लेंगे, लेस लगा ली, ठीक है, इस टसल तक मैंने यहाँ पे लेस लगाई है इसकी, और इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह लेस लगा ली, और इसके बैक में भी इसी तरह मैंने दोनों साइड पे लेस लगा ली, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसका बॉर्ड गला बना लिया, इसकी साइडों की सिलाई लगा के मैंने इसकी घेर में फिनिशिंग लगा ली,
और इसकी स्लीव्स लगा ली मैंने। स्लीव्स में भी हमने इसमें आगे लेस लगाई टसल वाली, और इस यहाँ पे हमने इसे डोरी बांध दी साइड पे। ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई।